दो साल बाद नुपुर शर्मा की फिर ललकार। राहुल के हिंदू हिंसक बयान पर वार। शरिया कानून से नहीं चलेगा हिंदुस्तान। करीब दो साल पहले अपने विवादित बयान के बाद से नुपुर शर्मा ने मौन धारण कर लिया था, लेकिन एक बार फिर नुपुर शर्मा ने हिंदू देश और शरिया कानून को लेकर बोला है। गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने दो साल बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अपनी बात रखी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि नुपुर शर्मा के बगल में उन्हें सुरक्षा देने वाले गार्ड खड़े हैं, जिसे लेकर नुपुर कहती हैं कि अपने ही देश में मुझे सुरक्षा के घेरे में रहना पड़ रहा है। तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। इससे ज्यादा हिंदू खतरे में क्या होगा? नुपुर शर्मा ने कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के संसद वाले बयान को लेकर भी उनका नाम लिए बिना निशाना साधा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक है, ऊंचे पदों पर बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले दो साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि देश में सनातनियों को खत्म करने की साजिश हो रही है, जिसे उन्होंने महसूस किया है। हमेशा ही हिंदू धर्म पर टिप्पणी की जाती है, अगर ऐसा नहीं होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा के घेरे में जिंदगी क्यों गुजारनी पड़ती। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूँ तो सर तन से जुदा। ऐसा नहीं चलेगा, हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।